good morning students today we are going to start our chapter number 3 from the book flamingo the name of chapter is ishwaram the storyteller which is written by rk lakshman so let's start अंग मैन नेम महिंद्रा विद अ जूनियर सुपरविजर सुपरवाइजर इन अ फर्म एक यंग मैन है जिनका नाम है महिंद्रा जो एक यंग सुपरवाइज़र हैं एक फर्म में फर्म मतलब एक बिजनेस बोल सकते हो आप एक एंटरप्राइज बोल सकते हो हिस जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट जिनका काम है कंस्ट्रक्शन साइट पर ध्यान रखना कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो जितनी भी प्रॉब वहाँ की हर चीज़ को वो टैकल करते थे वेरी सिंपल वो बैचलर थे लाइक अभी मैरिड नहीं थे वो और उनकी नीड्स काफी ज्यादा सिंपल थी ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिम सेल्फ टू ओल्ड काइंड ऑफ कंडीशन और वो पूरे तरीके से एबल थे अपने आप को हर कंडीशन में कॉप अप करने के लिए हिस्स टूक ईश्वरम वॉज मोस्ट वैल्यूएबल टू हिम उनके जो एक कुक हैं ईश्वरम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थे ईश्वरम वल्सो क्वाइट अटैच टू महिंद्रा ईश्वरम भी बहुत ज़्यादा अटैच थे महिंद्रा से वे ही वेंट विद हिम वेन एवर ही वॉज पोस्टेड जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होती वो उन्हीं के साथ चले जाते हैं ही कुकड फॉर महिंद्रा वो महिंद्रा के लिए खाना बनाते उनके कपड़े धोते और उनसे पूरी रात भर बैठ के बातें करते ही टोल्ड एंडलेस Stories मास्टर stories एक ऐसी स्टोरीज भी सुनाते जिनका कोई एंड ही नहीं होता ईश्वरम एक बहुत अच्छे कुक करते थे कुकिंग में वो बहुत अच्छे थे ड्यूरिंग हिज लेस्चर आर्स ही हैज़ फाउंड रीडिंग सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर जब वो फ्री होते तो अपनी पॉपुलर थ्रिलर थ्रिलर कुछ बुक्स पढ़ते द स्टोरी दैट ही नरेटेड वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज तमिल थ्रिलर्स और जो स्टोरी वो रात में सुनाते थे महिंद्रा को वो इनकी इन रीडिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी ही नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट बाई विविंग अ सस्पेंस अराउंडेड जब वो स्टोरी सुनाते हैं तो इस तरीके से सुनाते कि छोटा सा इंसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता एवरी डे ईश्वरम रिलेटेड सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर होर एंड सस्पेंस हर दिन उनकी स्टोरी में कोई ना कोई सस्पेंस कोई ना कोई एडवेंचर जरूर होता और महिंद्रा इन्जॉय करते थे हमेशा ईश्वरम की स्टोरी सुनना न डे ईश्वरम प्रिपेयर डिलीशियस डिनर एज इट वॉज अ डे टू फीड द स्पीरिट ऑफ एनसिस्टर एक दिन उन्होंने ईश्वरम ने बहुत अच्छा खाना बनाया डिनर के बाद ईश्वरम ने बातें करनी स्टार्ट की और उन्होंने महिंद्रा को बताया कि पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया ऑक्यूपाई कर लिया गया था एक बार ब्यूरल ग्राउंड में ही सेट दैट ही ऑफ्टन कम अक्रॉस नंबर ऑफ स्कर्ल्स एंड बोन्स लाइंग क्योंकि वहाँ पे अक्सर देखा जाता था कि किसी के स्कल मतलब किसी का आ, किसी की हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं पाथ में ही कॉन्टीन्यू टू से दैट ही समटाइम्स सो घोस्ट एट नाइट और उन्होंने बोला कभी कभी तो भूत भी दिखते थे द घोस्ट ऑफ अ वूमेन ऑफ्टन अपियर एट मिड नाइट और लेडीज़ के भूत तो हमेशा आधी रात को ही आते हैं शी लुक अगली विद द मैटर्ड हेयर एंड अ ड्राई रिंकल्ड फेस और जो झूरीों वाले फेस के साथ रिंकल होते उनके फेस पे वो ऐसे हमें घूरती शी कैरी द फोटेस इन अर हार्म द डिस्क्रिप्शन सेंड शी व्रू महिंद्रा अब महिंद्रा उस स्टोरी को थोड़ा और ध्यान से सुनने लगे बट ही ट्राई टू शो हिमसेल्फ बोल्ड लेकिन उन्होंने डर ये नहीं दिखाया कि मैं डरा कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहे थे वो क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वरम की जस्ट इमेजिनेशन है फ्रॉम द डे ऑन जैसे ही डे शुरू हुआ महिंद्रा वेन टू बेड विद द फियर इन इज हॉट एक डर के साथ महिंद्रा रूम में गए अपने ही लाइक टू एडमायर द लैंडस्केप ऑफ फुल मुन नाइट उनके मन में वही कहानियाँ चल रही थी बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरम स्टोरी ही अवॉइडिड लुकिंग आउट ऑफ विंडो वेन द मून वॉज फुल और तब से उन्होंने बाहर देखना ही बंद कर दिया जब मून फुल होता एक दिन महिंद्रा वॉज वोकन अप बाय लो मोन क्लोज टू तो हिज विंडो एक बारी महेंद्र उठे महिंद्रा उठे और अपने विंडो के पास गए वेन द मॉर्निंग बिकम लाउडर और जब थोड़ा लाउडर होने लगा महेंद्र लुकड आउट ऑफ विंडो महेंद्र ने बाहर की तरफ देखा हिस्सा अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम अ होल्डिंग अ बंडल एक डार्क क्लाउडी ने बंडल पकड़ा हुआ है महिंद्रा बिगेन टू स्वेट विद फियर एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग महिंद्रा बहुत डर गए और वापस अपने रूम अपने बेड पे भाग गए पिलो के पास नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड फॉरगेटिंग द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट जब अगले दिन वो उठे तो वो अपने उस डर के बारे में सब भूल गए और सोचने लगे शायद ये मेरी इमेजिनेशन होगी बट ईश्वरम रिमाइंडेड हिम ऑफ लेकिन ईश्वरम ने उन्हें फिर याद दिला दिया ही सेड दैट ही हैड कम रनिंग टू महिंद्रा रूम एट नाइट ही हैड हर्ड द साउंड ऑफ मॉर्निंग कमिंग फ्रॉम द रूम वो बोल रहे मैंने एक आवाज़ सुनी थी महिंद्रा वाज कोल्ड विद फियर महिंद्रा बहुत ज़्यादा डर गए और वो फटाफट अपने ऑफिस की तरफ भाग गए he ended in his paper and determined to leave the haunted place the very next day. उसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो कभी भी haunted place पर नहीं जाएंगे और उन्होंने decide किया कि वो जल्दी से ये जगह जो है जिस जगह के बारे में इस फिर, आ, बात कर रहे हैं वो जगह हम लोग छोड़ दें